इंदौर की इस धरती से एक खुले जंग के ऐलान के साथ उनको कह देना चाहते हैं कि हमारे पास क्रांति बीज तैयार हो गया है। अगला प्रोग्राम इसी इंदौर में दशहरा मैदान में करेंगे। लड़ाई छिड़ी है, इस लड़ाई के संबंध में आपको बस एक बात कह देना चाहते हैं कि आप मुंह काला ही कर सकते हैं, क्योंकि आपका विचार काला है, आपकी टोपी काली है, लेकिन हमारे रगों में लाल रंग का खून बहता है, लाल रंग का खून बहता है, और हमारे सर के ऊपर नीला आसमान है। तुम्हारे इस कालिक को हम खत्म करेंगे और तुम्हारी ये जो बुराई, यह अंधेरा और यह जो नफरत है उसको मिटा करके छोड़ेंगे, इस बात का संकल्प लेंगे। इनको क्या लगता है? इनको लगता है कि किसी को देशद्रोही कह देंगे, किसी को पाकिस्तानी कह देंगे, किसी को नक्सली कह देंगे, किसी को आतंकवादी कह देंगे, तो इससे हम डर जाएंगे। इनको क्या लगता है कि कुछ लोगों पे ये गोलियां चला देंगे, कुछ को जेल में डाल देंगे, कुछ लोग परेशान होकर के आत्महत्या कर लेंगे, तो इनसे हम डर जाएंगे। सुनो, जो डरा हुआ होता है वो डराता है, हम डरे हुए नहीं हैं, इसीलिए डराते हैं। जो डरा हुआ होता है वो डराता है, हमें किसी बात का डर नहीं है। और डर का एक मनोविज्ञान आपको बता देते हैं, डर की अपनी सीमा होती है, जैसे दर्द की अपनी सीमा होती है। मैंने मेहनत किया है खेत में, इसलिए मैं आपको बताता हूं कि एक ही जगह पर अगर बार बार जख्म होता है, फिर जख्म में दर्द होना बंद हो जाता है। और रही बात डर की, कब तक डराओगे, कितना डराओगे, खौफ के आधार पे क्या बनाओगे, खौफ जदा इंसानों को लेकर के कैसे विकसित भारत बनाओगे? क्या बात है, क्या खौफ जदा इंसानों को लेकर के विकसित भारत बनाया जा सकता है? और ये डराने की राजनीति क्या है? ये डराने की राजनीति ये है कि सम्राट ने जो कहा वो कानून है, रानी को जो पसंद है वही कला है, और राजघराने का जो चरित्र है वही समय समाज का चाल और चरित्र होता है। एक बात उनको याद दिलाना चाहते हैं, और इस बात के लिए हम मध्य प्रदेश की पुलिस को और इंदौर की पुलिस को कोटि कोटि धन्यवाद कहते हुए कहना चाहते हैं, इस देश में पीछे जो तस्वीरें लगी हुई है इनकी कुर्बानियों से, और आज भारत छोड़ो आंदोलन का वर्षगांठ है, आज विश्व आदिवासी दिवस है, पीछे बिरसा मुंडा की तस्वीर लगी हुई है, तंतिया भील की तस्वीर लगी हुई है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर लगी हुई है, यह जो लड़ाई लड़ी गई अंग्रेजों के खिलाफ, उस लड़ाई को जीता गया, उसके बाद यह तिरंगा झंडा आज हमारे लाल किला पे फहरा रहा है। जो लड़ाई लड़ी गई, उस लड़ाई और संघर्ष की बदौलत ही दुनिया का एक उम्दा दस्तावेज तैयार किया गया जिसे हम भारतीय संविधान कहते हैं, और उस संविधान का असर आज भी है, उसी का नतीजा है राष्ट्रपति आपका, उपराष्ट्रपति आपका, प्रधानमंत्री आपका, मुख्यमंत्री आपका, फिर भी इंदौर में कार्यक्रम कर रहे हैं कि पुलिस शिवराज जी का कसम नहीं खाती है, भारतीय संविधान का कसम, भारतीय संविधान हमको इस बात का इजाजत देता है कि बेबाकी से हम अपनी बात कह सकें, और उनके ऊपर संविधान का ये प्रावधान है, ये जिम्मेदारी है, ये दायित्व है कि ये उस बातचीत को शांतिपूर्वक कंडक्ट करवा रहे हैं, इसीलिए ये बार बार कोशिश करते हैं कि संविधान को बदल दिया जाए। अगर संविधान बदल दिया जाएगा और शाह जी का कहा हुआ ही कानून होगा, तो ध्रुव सक्सेना को मध्य प्रदेश पुलिस पकड़ करके जेल में नहीं डालती, सेना को मध्य प्रदेश की पुलिस ने पकड़ करके इसीलिए जेल में डाला क्योंकि वो कानून से बंधे हुए हैं।
और उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए जासूसी की। कोई नई बात नहीं है, यही करते रहे हैं। पहले ये अंग्रेजों की जासूसी करते थे, आजकल पाकिस्तान की जासूसी करते हैं। और बहुत ही चालाकी से इन्होंने हमारे प्रतीकों, निशानों, चिन्हों, संस्कृति, इतिहास, विरासत को कब्जाने की कोशिश की है। लेकिन कहते हैं हमारे यहाँ कुत्ते को घी नहीं पचता है। कहते हैं कि कुत्ते को अगर घी की रोटी खिला दीजिए तो उसका सारा बाल निकल जाता है और उसका असली रंग, चमड़े का असली रंग सामने आ जाता है। सत्ता में आए हैं, बैठे हैं, अपना चाल चरित्र दिखा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इस देश के कुछ लोग ऐसे हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं। आइए आपसे बहस करते हैं कि कौन देश को तोड़ना चाहते हैं। भारत का संविधान, उसकी प्रस्तावना और उसका प्रथम वाक्य क्या कहता है, सबको याद होगा, हो सकता है कि इनको ना याद हो। प्रथम वाक्य है अंग्रेजी में वी द पीपल ऑफ इंडिया और हिंदी में हम भारत के लोग। कहां संविधान कहता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? संविधान कहता है, संविधान एक बार भी बोल रहा है कि इस देश के मुसलमानों को डरा करके, भीड़ द्वारा उसकी हत्या करवा करके, इसी देश में उसको द्वयम दर्जे का नागरिक बना करके रखा जाए और हिंदू राष्ट्र की स्थापना की जाए? संविधान कहता है क्या? कौन देश को तोड़ रहा है? कौन इस देश के संविधान को नहीं मानता है? कौन को किसको इस देश की परंपरा और इतिहास और विरासत पर भरोसा नहीं है? यह बहस करने वाली बात है और यह बहस होने नहीं देना चाहते हैं। अगर बहस होगी, बात चलेगी तो दूर तलक जाएगी और पूछा जाएगा कि आरएसएस का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो फांसी पर चढ़ा है, उसका नाम बताओ।